61 वर्ष पूरे हुए हैं और मैं तो ये कहना चाहता हूं पिछले 6 दशकों में जो खेल जगत के लिए एनआईएस पटियाला की भूमिका रही वो सराहनीय है, अभूतपूर्व है। और मोदी जी की सरकार में हमने यहां पर आधारभूत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधार करने के लिए, ताकि खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, उसके लिए लगभग 150 करोड़ रुपया पिछले कुछ वर्षों में खर्च किया है। खिलाड़ी हों, कोचेस हों, अकेडमिक्स की बात हो या फील्ड्स बनाने की बात हो, सबकी तरफ काम किया। और आज भी जो फूड कोर्ट और मॉडर्न किचन जहां एक और वो बनाकर दिया गया है, 500 खिलाड़ी एक साथ वहां पर बैठ पाएंगे, तो वहीं पर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हॉल जो लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा, जहां पर ये सुविधा भी होगी कि एथलेटिक ट्रैक 80 मीटर का 3 लेन का उसके अंदर ही बना होगा और बाकी खेलों के लिए भी उसके अंदर सुविधाएं होंगी। ये बहुत आवश्यकता थी ताकि मौसम खराब हो, जैसा आपको पता है पटियाला में धुंध, बारिश और बाकी सब खराब मौसम के चलते जो खिलाड़ियों के 3-4 महीने खराब होते थे, अब वो नहीं होंगे। हम भविष्य में ये भी देख रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स कोचिंग में ज़्यादा जोड़ा जा सके और खिलाड़ी के लिए और सुविधाएं मिलें, ताकि पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा पंजाबी साडियां बावां एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।